पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। चलते हैं सीधे न्यूज एक्सप्रेस पे, जहां पर विदेश से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इमरान के अलावा पीटीआई नेता फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है। इमरान ने अगस्त 2022 में इस्लामाबाद की रैली में एक महिला जज और शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ ही चुनाव आयोग के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान को सऊदी अरब ने बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज देने का मन बनाया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर के निवेश पर विचार करने की बात कही है। इससे पहले अगस्त 2022 में भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान में निवेश की घोषणा की थी, जिसके बाद दिसंबर में पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक में सऊदी अरब की तरफ से जमा नकद को बढ़ाया गया था। हज यात्रा के ख्वाहिशमंदों को सऊदी अरब सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। सऊदी अरब ने कोरोना की वजह से हज पर लगी पाबंदी को खत्म कर दिया है। इसके अलावा हज जायरीनों की आयु सीमा की पाबंदी को भी समाप्त कर दिया गया है। इसके पहले जायरीनों की उम्र सीमा 65 साल थी। कोरोना की वजह से सऊदी सरकार ने 3 साल पहले हज यात्रियों की तादाद सीमित कर दी थी। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। पेट में दर्द की शिकायत के बाद बोल्सोनारो को फ्लोरिडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बोल्सोनारो के समर्थकों ने रविवार को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के विरोध में हिंसक प्रदर्शन भी किया था। प्रदर्शनकारी भारी तादाद में ब्राजील की संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट परिसर में दाखिल हो गए थे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकते हुए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने 6ठी कक्षा तक की छात्राओं को स्कूल जाने की इजाजत दे दी है। अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्रालय ने एक पत्र जारी कर कहा कि 6ठी तक की छात्राएं स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई जारी रख सकती हैं। इससे पहले तालिबान सरकार ने महिलाओं और लड़कियों के स्कूल यूनिवर्सिटी जाने पर पाबंदी लगा दी थी।